हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस साल ये व्रत 30 मई सोमवार को है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ का काफी महत्व होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में हर एक तीज त्यौहार के अपने अपने नियम होते हैं। इसी तरह वट सावित्री व्रत के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत के दौरान हमें किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाओं को लाल, पीले, हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नीले, काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की पूजा के दौरान नीली, काले रंग की चूड़ियां या फिर बिंदी लगाने से बचना चाहिए। जो महिला पहली बार इस व्रत को कर रही है तो वह इस बात का ध्यान रखे कि पहला व्रत हमेशा मायके में ही करे। ससुराल से इस व्रत की शुरुआत करना बेहद अशुभ माना जाता है। जो महिला पहली बार इस व्रत को रख रही है उसे वट सावित्री व्रत के दौरान पूजा संबंधी सभी सामान मायके का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी महिला को वट सावित्री व्रत के दौरान मासिक धर्म है तो वह खुद पूजा ना करे, दूसरी महिला से पूजा करा ले और पूजा स्थल से दूर बैठकर कथा सुने। वट सावित्री व्रत के दौरान घी और तेल का दीपक जलाया जाता है, जिन्हें सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है। अगर आप भी घी का दीपक जला रही हैं तो इसे हमेशा दाएं ओर ही रखें और तेल का दीपक जला रही हैं तो इसे बाएं ओर रखना चाहिए। पूजा सामग्री को हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक इस विधि द्वारा पूजा करने से लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।